बंदर में ईज ऑफ बिजनेस को प्रमोट करने और मैरिटाइम लॉजिस्टिक्स को सरल बनाने पर भी है। ऐसे दुनिया के सबसे बड़े सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म को तैयार करने पर भी काम चल रहा है। साथियों, ऐसे ही अनेक प्रयासों के कारण अब देश के पोर्ट नेटवर्क की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दोनों का विस्तार हो रहा है। 3 दशक के इंतजार के बाद वेस्ट कोस्ट में भारत के पहले डीप ड्राफ्ट ग्रीन फील्ड सी पोर्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दी जा चुकी है। इसी तरह ईस्ट कोस्ट में डीप ड्राफ्ट इनर हार्बर के निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा है। अब ग्रेट निकोबार में करीब 10,000 करोड़ रुपए की संभावित लागत से ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के निर्माण का प्रस्ताव है। कोशिश ये है कि आने वाले 4-5 साल में इसके पहले फेज को पूरा कर लिया जाए। एक बार जब ये पोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो यहां बड़े बड़े जहाज भी रुक पाएंगे। इससे समुद्री व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी, हमारे युवाओं को नए मौके मिलेंगे। साथियों, आज जितना भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर अंडमान निकोबार में तैयार हो रहा है वो ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लू इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा है फिशरीज, एक्वाकल्चर और सीवीड फार्मिंग। सीवीड के फायदे को लेकर आज दुनिया में चर्चा हो रही है, कई देश इसकी संभावनाओं को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि अंडमान निकोबार में इसकी संभावनाओं को तलाशने के लिए पोर्ट ब्लेयर में जो पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था उसके नतीजे उत्साहित करने वाले हैं। अब इसकी खेती को आइलैंड में प्रमोट करने के लिए स्टडी शुरू हो चुकी है। अगर ये प्रयोग बड़े स्केल पर सफल होते हैं तो इसको देश में अन्य जगह पर भी विस्तार किया जा सकता है। इससे विशेष तौर पर हमारे मछुआरे साथियों को बहुत बड़ा लाभ होगा। मुझे उम्मीद है हमारे आज के प्रयास इस दशक में अंडमान निकोबार को, वहां के लोगों को न सिर्फ नई सहूलियत देंगे बल्कि वर्ल्ड टूरिस्ट मैप में भी प्रमुख स्थान के तौर पर स्थापित करेंगे। एक बार फिर आप सभी अंडमान निकोबार वासियों को मोबाइल फोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी की आधुनिक सुविधा के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अब जब कोरोना का समय है तो मैं विशेष रूप से आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहें। कोरोना के इस समय में 2 गज की दूरी का पालन हमेशा करते रहें और आगे भी बढ़ते रहें। इसी कामना के साथ स्वतंत्रता की इस तपोभूमि को और 15 अगस्त के पूर्व आज मुझे आप सबसे नमन करने का मौका मिला है। मैं आप सबको भी 15 अगस्त के पूर्व, आजादी के पर्व के पूर्व ये बहुत बड़ा अवसर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और उज्जवल भविष्य के ये नई छलांग के लिए आपको आगे आने के लिए निमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। More than 5,000 people, the plant is fully